हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो सात जगह जहां पे एक प्रेग्नेंट महिला को जाने से बचना चाहिए, जहां पे एक प्रेग्नेंट महिला को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है जिससे हमारे बच्चे के विकास पे असर हो सकता है, जिससे प्रेग्नेंट महिला को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन जगहों पर जाने से आप जरूर बचें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जगह जहाँ पे गर्भवती महिला को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए वो होता है शमशान घाट। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि शमशान घाट बहुत सारी निगेटिव ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, और वो नेगेटिविटी हम अपने बच्चे तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको जाने से बचना चाहिए जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं हों। इसके अलावा आपको सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। खासकर आपको ध्यान रखना है कि शाम का जो टाइम होता है, जब दोनों टाइम मिल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे गर्भवती महिला को अपने घर से बाहर या फिर किसी भी सुनसान जगह पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है, कि जो गर्भ की खुशबू होती है वो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और ऐसे टाइम में बहुत सारी नेगेटिविटी बाहर होती है, हमारे वातावरण में होती है। तो इसलिए गर्भवती महिला को सुनसान जगह पे, खासकर जो शाम का समय होता है, खासकर अकेले बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए वो होते हैं नदी नाले। ऐसा बोला जाता है कि गर्भवती महिलाओं को नदी नाले नहीं पार करने चाहिए, और अगर आपकी मजबूरी है, आपको कहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए 9 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के, हम घर में तो नहीं रह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम जाते हैं और वहाँ नदी नाले पड़ते हैं, तो आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से कुछ सिक्के जो होते हैं, 1 रुपए 2 रुपए के जो सिक्के होते हैं, अपने ऊपर से उतार के उस नदी में चढ़ा देने हैं। ऐसा बोलते हैं कि गर्भवती महिला को पानी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नदी नाले पार करती हैं तो वो पानी का अपमान माना जाता है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसा बोला जाता है कि उस चीज की कमी हमारे शिशु को हमेशा रहती है। तो ये सब चीजों को अगर आप मानती हैं तो मानिए, वरना अगर आप नहीं मानती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे घर में बोलते हैं कि इन सारी चीजों को मानना ही चाहिए, और बहुत सारी महिला इन चीजों को मानती भी है। इसके अलावा ऐसा भी बोला जाता है कि गर्भवती महिला को कभी भी रूम में अकेले नहीं सोना चाहिए, खासकर रात को अकेले नहीं सोना चाहिए, उनके साथ हमेशा किसी न किसी को रहना चाहिए। और यहाँ पे खास ख्याल रखना है, अगर आप कभी भी ऐसे खुली जगह में सो रही है, जैसे कि अपने घर के बाहर, आप अपने आंगन में सो रही है, या फिर आप अपने छत पे सो रही है, तो बिल्कुल भी अकेले ना सोए। नेक्स्ट ऐसा भी बोला जाता है कि जो गर्भवती महिला है उसको शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, या शिव जी के मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, लेकिन आज के टाइम में ये चीज नहीं मानी जाती है। शिवरात्रि वगैरह होती है तो सारे लोग जाते ही जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते ही हैं, तो अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, और अगर आप नहीं भी करना चाहती हैं, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो मना कर रहे हैं, तो आपको उस चीज को मानना भी चाहिए। नेक्स्ट चीज आपको जो नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि जब भी प्रेगनेंसी चल रही है तो बहुत ज्यादा लंबी यात्रा ना करें, लंबी यात्रा से बचें, क्योंकि वहां पे आपको चोट लगने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, वातावरण चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी वीक रहती है प्रेगनेंसी में, तो आपको सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए यात्रा करने से भी बचें। इसके अलावा ऐसा भी बोला जाता है कि जब ग्रहण पड़ रहा हो, किसी भी तरीके का ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, अगर ग्रहण पड़ रहा है तो भी आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण की जो भी सावधानियां होती हैं वो आपको मानना चाहिए। नेक्स्ट ऐसा भी बोला जाता है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, जो शोर शराबे वाले इलाके होते हैं, वहां पे भी आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ स्थान है जहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला को नहीं जाना चाहिए, या फिर जाने से बचना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।